सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिएगा, मैं कुलदीप सोम फिर एक बार नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद हर किसान एक फ्रेशनेस महसूस करता है, क्योंकि हमारा एक ही चैनल ऐसा है जो हर बार कुछ ना कुछ किसान के हक में नया लेकर आते हैं। लेबर के कारण जहां अगेते गेहूं पक चुके हैं और कोई लेबर नहीं मिल रही, वहीं एक मशीन की मदद से आज देखिएगा किस तरीके से बहुत अच्छा और बहुत शानदार दृश्य ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मशीन लगातार कटाई कर रही है और इसी के पीछे से ये ऐसे काट के डालती है। ये देखिएगा, आगे से काटती रहती है और पीछे पूली डालती रहती है। और हम आपको दिखाएं किस मशीन के आगे जो भी कुछ आ जाता है उग जाती है। ये देखिएगा, ये मशीन का पाइप आ गया था और पाइप आते ही ये सारा रुक गया है। हम आपको दिखाएं, चलिएगा। बहुत बढ़िया, अच्छे से मशीन काट रही है। एक घंटे में कितना निकाल देगी? एक घंटे में 2 बीघे निकाल देगी। 2 बीघे? और क्या कटाई चल रही जी? 1000 जी? 1800। 1000 रुपये बीघा? थोड़ी महंगी ले रही जी। सुतली है भाई, सुतली का महंगा खर्चा है। अच्छा, काटने का नहीं है, कितना काट देगी? 14-15 बीघे। तो 15 बीघे लेबर कितने दिन में काटेगी जी? 20 लेबर चाहिए जो एक दिन में काटेंगे। 30 लेबर? तो 30 लेबर का काम अकेला करती है? अकेला। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिएगा किसान भाइयों, इतनी अच्छी मशीन केवल अकेला आदमी ही इसका काट देता है। और जो कटाई है इनकी वो ज़्यादा ऊपर से नहीं है, बहुत शानदार और बहुत अच्छे लेवल से कटाई करती है। बड़ा अच्छा कार्य है। हमारे गांव में कोई लेबर तो मिल नहीं रही गेहूं काटने के लिए, लेकिन इस मशीन ने किसान का जीवन इतना आसान कर दिया कि जितने दिन में लेबर काटती इस गेहूं को, उतने दिन में भूसा निकाल के इसकी अपने गन्ना बोने के लिए पले कर देंगे, और जब तक पले होती जब तक गन्ना बो के ये समाप्त कर देंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कैसे हो जी? बढ़िया जी। एक तो नाम बता दीजिए अपना और गांव का नाम बता दीजिए। परमोद, दौलतपुर। दौलतपुर। अच्छा, मशीन आप ही की है जी? हाँ जी। भैया क्या हिसाब से काट रहे हो और इसमें क्या क्या सहूलियत है, क्या किसान के लिए कितनी अच्छी है, कितनी कारगर है ये? वो फायदा तो यह है, जहाँ 5 बीघे खेत 10 दिन में कटना हुआ, 1 दिन में कट रहा। 1 दिन में? हाँ। अच्छा, जो लेबर से 10 दिन एडवांस हो रहा काम। 10 दिन एडवांस? और जो लेबर से कटवाते हैं उसमें कितना फायदा है और मशीन से किसान को कितना फायदा है, कौन सी चीज में है? उसमें टाइम ज्यादा लगता है। उसमें टाइम? और टाइम के अलावा जैसे मान लो पैसे में भी कुछ बचत है? नहीं, बराबर ही पड़ता है। रास्ता बराबर ही पड़ा है लगभग? हाँ। केवल समय की बचत है? समय की बचत। ठीक है। अच्छा, ये किस चीज से बांध रहे, एक बार आप हमें उतर के दिखाइए अपनी मशीन के बारे में। ये सुतली है इसमें? हाँ जी। ये कहाँ लगता है जी इसमें रोल? इसमें लगता है। दिखाइए एक बार हमें कितना रोल है इसमें, खुल जाता है ये? अच्छा, ये रोल लगता है इसमें जी। एक रोल में कितनी पुलिया बांध देती है? 2 बीघे की है जी। 2 बीघे की पुलियों का अंदाजा है जी कुछ? नहीं जी, 2 बीघे का बन जाता है। 2 बीघे की? तो जो सबसे ज्यादा खर्च है इसमें वो किस चीज का आ रहा जी? सुतली का। सुतली का ही खर्च है? सुतली महंगी। सुतली महंगी है जी। कहता जी कितने की आ जाती है ये? 5.5 के करीब बनाओगी। 5.5 की? अच्छा, ये कटाई कितने ऊपर से करती है, एक बार हमें ये दिखाइए आप। 4 इंच ऊपर से। 4 इंच? और लेबर कितने से काटती है जी? लेबर 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच ऊपर से। यानी कि 1.5 इंच इसका ऊपर रहता है? 1.5 इंच ऊपर। तो क्या नीचे, और नीचे को नहीं जा सकती है? नहीं, इतना ही जाएगी? इतनी चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में लगभग 10 बीघे काट देती है जी? है 15 बीघे। 15 बीघे? 15 बीघे काट रही, तो 30 किसान लगभग आप बता रहे कि 30 किसान चाहिएंगे इसको? हाँ जी, 5 बीघे में कम से। और कोई खासियत है जी इसकी? खासियत तो ये जल्दी काम हो रहा है। जल्दी हो रहा? ठीक है। इसकी कटाई क्या ले रही जी आप? इसके ले रहे 1000 रुपये बीघा। बस समय की बचत है इसमें भाई साहब, समय की तो खैर सारी बचत है इसमें। सबसे बड़ी समय ये जो खेत है, मैं देख रहा लगभग 10 से 11 बीघे का खेत है,
ये इनको काटने में कम से कम भी 10 दिन लग जाते जी। और आज इसको आप आज ही काट दोगे? आज ही काट जाए, कल इसको निकलवा लेंगे ये। 10 दिन एडवांस काम हो रहा है, 10 दिन एडवांस। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या तो जो है आज किसान के सामने वो समय की है, क्योंकि लेबर नहीं मिल पा रही। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, आप चला लीजिएगा, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और ये खेत मालिक के साथ जो मशीन मालिक हैं वो आ गए और वो बैठ के चला रहे हैं। लगभग यही मशीनें हैं जो किसान की आजकल जान बचा रही हैं, नहीं तो लेबर का मिलना बहुत कैड़ा और बहुत मुश्किल है। और जो साइडों के होते हैं इनको काट के पहले अलग से रखना होता है, सबसे पहले साइडों का काटता है, उसके बाद ये फिर अपना हलाई भरते रहते हैं। और लगभग एक घंटे में देखो इन्होंने लगभग 2 से 2.5 बीघे काट दिया है। और ये देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ये गड़बड़ हो चुकी है, ये कुछ फंस गया इसमें, देखिएगा तो बैक में हटाते हैं, शायद गुज्जा लग गया इसमें, ये गिरा हुआ है यहाँ पे। और जो गिरी हुई समस्या है ये वहाँ थोड़ा सा अच्छे से नहीं काटती है जो गिर जाता है, ये खड़े हुए खेत की है, खड़ा हुआ खेत जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी और शानदार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, खेत आप ही का है जी? हाँ जी। अच्छा भाई साहब, ये आज आप मशीन से कटवा रहे हैं? हाँ जी। ये मशीन से क्यों कटवा रहे, लेबर से क्यों नहीं कटवा रहे, क्या इसमें अच्छाई है मशीन से कटवाने में और क्या बुराई है मशीन से नहीं कटवाने में? भैया एक तो लेबर नहीं मिलती। अच्छा, और जो मिल रही तो 12-12, 6-6 का भी मांग रही। ओहो, तो भैया मशीन से कटवाने पड़ रहे। मशीन से कटो इसलिए कटवा रहे, लेबर नहीं मिल रही और ज्यादा डिमांड है। ज्यादा डिमांड है जो गेहूँ लेते हैं कटाई पे। हाँ, ज्यादा नहीं, दड़ी पे समय भी ज्यादा नहीं और समय भी ज्यादा नहीं। अच्छा, कितना खेत है जी आपका? 11 बीघे। अगर जो लेबर से कटवाते तो कितने दिन में काटते? 10-11 दिन लगते इसमें। और अब कितने दिन में काटेगी? अब तो 5-4 घंटे कट जाए। 5-4 घंटे में? हाँ। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया, इसके बाद आप कौन सी फसल लगाओगे? गन्ना लगाओगे। गन्ना? हाँ। तो लगभग मुझे लग रहा जी 12-13 दिन का तो आपका गन्ने का ही फर्क पड़ जाएगा इसमें। जितने लेबर काटे थे जमकर तैयार हो जाएगा गन्ना इसमें, जमकर तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है।